وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. हर हर दा उस दान चतारण वाला ते किसे मैदान नहर रहमत बल्ले ते बल्ले 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 जे देखा तेरी ओ रहमत बल्ले ते बल्ले बल्ले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ए प्लस के तमाम नाज़रीन को हमारी तरफ से बहुत सा सलाम अलैकुम। आज की बाबरकत और मुबारक रात जो कि 27 रजब की रात है, ये एक ऐसे मोजज़े के ज़हूर की रात है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ। हम जानते हैं कुरान पाक की तिलावत और तर्जुमे की सादत जिन लोगों को हासिल होती है और बहसियत मुसलमान हम सबको हासिल होती है कि उसमें जा बजा मुख्तलिफ अंबिया के ऐसे मोजज़ात का जिक्र है कि जो इंसान की अक्ल को हैरान करने के लिए और परेशान करने के लिए बहुत काफ़ी है। उस पर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं। साइंस पे बिलीव रखने वाले और एतकाद रखने वाले लोग उन मोजज़ात के अक्ली दलाइल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग दिल से और वो लोग जो कि गैब से अपने रब को जानते हैं और गैब से अपने रब को मानते हैं और उसकी शान वहदानियत पर और उसकी इस ताकत पर यकीन रखते हैं कि वो कादिर है और तमाम मोजज़ों के ज़हूर की ताकत और कुदरत रखता है, वो इस पे कामिल ईमान और यकीन रखते हैं कि ये मोजज़ा और इस समय तमाम मोजज़ात जो हैं उनका ज़हूर यकीनी तौर पे हुआ। और ख़ास तौर पे आज जिस मोजज़े की रात है वो नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कामिल वो ज़ात है जो ख़ुद एक मोजज़ा है, इसलिए किसी बहुत ज़्यादा मोजज़ात की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन कुरान पाक खुद बज़ाते खुद एक इतना बड़ा मोजज़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ। और सबसे बड़ी जो अहमियत है वो आज की रात की उस दौर की है जिस दौर में ये वाक़या, जिस दौर में ये मोजज़ा रोनुमा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का और दावत तबलीग का आगाज़ कर चुके हैं।
कुफार मक्का ने अपने इंतहाओं की, अपनी शिद्दतों की और अपनी मुखालफतों की इंतहा कर दी है। दो इंतहाई मेहरबान और शफीक हस्तियाँ, जिनमें से एक सैयदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि एक ऐसी ज़ात मुबारक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल होती है तो आप तसल्ली और तशफ़ी देती हैं, उन पे कंबल उड़ा देती हैं और ये यकीन दिलाती हैं कि वो जो कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कुछ महसूस कर रहे हैं, वो सब कुछ बरहक है और उन सब में वो तमाम आजमाइशों पर पूरे उतरेंगे। वो भी साथ छोड़ चुकी हैं और वो ज़ात जिन्होंने के कुफार मक्का की तमाम सख्तियों के सामने एक ढाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, आपके मेहरबान चचा हज़रत अबू तालिब, वो भी आपसे जुदा हो चुके हैं। आमुल हुज़्न का साल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर जहाँ इन दो बहुत करीब हस्तियों की, बहुत नज़दीक हस्तियों की जुदाई का एक सदमा है, एक बोझ है, एक तकलीफ़ है, वहाँ पर ताइफ का सफ़र भी है जहाँ आप अल्लाह का पैगाम लेकर उन लोगों के पास जाते हैं और उनके पत्थरों की अलगार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक पे क्या दुख, क्या असरात हुए होंगे। तो अल्लाह पाक अपने नबी की तसल्ली और तशफ़ी के लिए और उन कुफार मक्का के जवाबात देने के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आपके ऊपर कोई मौजज़ा नाजिल क्यों नहीं होता, क्यों नहीं आप हमारे पास कोई ऐसी ताकत ले आते, कोई ऐसी चीज़ ले आते कि जिनसे हम आप पे यकीन ले आएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मौजज़ा आता होता है जो आने वाले दिनों का मौजज़ा है, इसलिए कि वाकया मेराज जो है उसके बाद, देखिए उस दौर की बात है जब लोग ऊँटों पर सफ़र किया करते थे, जब एक छोटा सा सफ़र बहुत मुश्किल और कठिन हुआ करता था, जब दिनों, हफ्तों, महीनों में मुसाफतें जो हैं वो तय होती थी, तो वहाँ के लोगों को ये बताना कि आप एक कुछ सेकंड्स में आपने हज़ारों किलोमीटर्स का सफ़र जो है वो तय कर लिया और फिर आप स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं, चांद जो दूर से नज़र आता है आप उस चांद तक भी पहुँचे और उससे आगे भी तमाम इंतहाएँ जो हैं वो इंसान के कदम जो हैं वो चूमेंगी। ये इंतहा बशर की कामलियत की इंतहा ही तो है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा ही तो है जिसको साइंस आज तक डिस्कवर करती चली जा रही है और जितने स्पेस के, नासा के मिशन हम देखते हैं कि आप वहाँ तक पहुँच गए हैं, अब इतने हज़ार नूरी साल की मुसाफत पर मौजूद सैारे का सुराग लगा लिया गया है, अब इंसान जो है वो उस सैारे पर ज़िंदगी के आसार ढूँढ रहा है। ये तमाम चीज़ें अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दौर में दिखा दी और अता कर दी। उसके साथ साथ जहाँ पे, ये तो वो चीज़ है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, इस वाक़े की जो एक रूहानी अहमियत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले जाते हैं आपको इमामत का शर्फ हासिल होता है मस्जिदुल अक्सा में, तमाम अंबिया की इमामत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आती है, खातमुन नबीयीन के हिस्से में आती है और फिर वहाँ से आप मेराज के सफ़र का आगाज़ करते हैं और फिर क्या क्या रिवायतें हैं इस सफ़र से जुड़ी हुई। ये मौजज़ात दर मौजज़ात हैं जिनका ज़हूर आज की रात हुआ और हम खुश नसीब हैं कि हम अपने अंदर अगर ये यकीन कामिल रखें कि अल्लाह पाक की ज़ात जिसने कुरान पाक में जब भी इस मौजज़े का जिक्र किया है सूरह बनी इसराइल में, तो सुभान के नाम से, सुभान अल्लज़ी यानी पाक है वो ज़ात जो हर नुक्स से, हर ऐब से, हर कमज़ोरी से, हर खामी से पाक है, और फिर इस वाक़े का बयान किया है, तो हम इस एक्सपीरियंस को और इस अल्लाह पाक की ये जो एक ताकत है उस पर यकीन रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता आने वाले इस मौजज़े का जब तस्करा करते हैं तो अपने अंदर मौजूद भी वो जो गैब से ईमान ले आने वाली जो एक कैफियत है उसको भी हम मज़ीद तकवीत देते हैं। और फिर रजब का महीना वो महीना है जिसके बाद रमज़ान का महीना कुछ दूर नहीं है, सो हमारी ईमानी कैफियत में भी एक ख़ास इजाफा होता है और इसी मकसद से आज हमने आपके लिए ये पुरनूर ट्रांसमिशन जो है ये सजाई है। इसमें हमारे बहुत सारे मेहमानानी गिरामी जो हैं वो शामिल गुफ्तगु होंगे और वो सब बहुत इल्म रखते हैं और वो अपने इल्म से बहुत सी सैर हासिल गुफ्तगु और बातें हमें बताएंगे, वो बातें जिनका बहसियत मुसलमान हमें इल्म होना बहुत ज़रूरी है। सो हम इन तमाम बातों का इयादा करेंगे और एक तरह से कुरान पाक की उन तमाम चीज़ों का इयादा करेंगे कि इस वाक़े के बयान में दरअसल हिकमतें क्या हैं, इसमें क्या वो चीज़ें पोशीदा हैं जिनका कि हमें इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला का जिक्र और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खुश अलहानी से करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ मेहमान आने गिरामी को मुद्दऊ किया है, जिनमें मेरे साथ आज़म वहीद कादरी हैं, मुल्की नामवर नातखा हैं, खुश अलहान हैं, खूबसूरत अंदाज में अल्लाह पाक का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाती हैं। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और आज़म चिश्ती साहब, जो लोग
जिक्र नबी से अपनी जबान को तर रखते हैं, जिक्र अल्लाह से अपने जबान को तर रखते हैं, वो इस नाम को फरामोश नहीं कर सकते। और उनके पोते आज हमारे साथ मौजूद हैं, हसीब इरशाद आजम चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। लेकिन पहले मैं लूंगी एक ब्रेक और उसके बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपने स्कॉलर से। ए प्लस की मेराज मुस्तफ़ा ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे इस मुजज़े के हवाले से, और मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं मौलाना अली वक़ार कादरी साहब। आप बहुत सारी तसानीफ आपके क्रेडिट पे हैं, बहुत सारे तहकीकी मजामीन जो हैं वो आपने लिखे हैं, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर साद सिद्दीकी साहब, मारूफ स्कॉलर हैं, और उसके साथ साथ आप डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी के और मेम्बर हैं कुरान बोर्ड के, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। मैं अभी अपनी ओपनिंग में जिक्र कर रही थी कि अक्ल इंसान को दंग करने वाला ये वाकया है, यानी वाकया मेराज जो है ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, मोजज़ा है इटसेल्फ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफ़र किया पहले मक्का से मस्जिद अक्सा तक और फिर उससे अर्श की तरफ, इस वाकये की आपकी नज़र में क्या हिकमत, क्या इसके अंदर इसकी अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। देखिए बात यह है कि जैसे आपने ख़ुद भी ये बात फरमाई कि ये एक मौजज़ा है, और मौजज़े के माना ही ये होते हैं कि एक ऐसा हैरान कुन वाक़या कि जो अक्ल इंसानी को आजिज कर दे, यानी अक्ल इंसानी वहाँ हाथ खड़े कर दे कि भाई मैं इसकी कोई हिकमत, इसकी कोई तौजीह बयान करने से कासिर हूँ। मौजज़ात की एक तारीख़ है, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुख्तलिफ अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए, और इन अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम को मौजज़ात अता फरमाए। बिल्कुल, ये मौजज़ात बुनियादी तौर पर दो नौयतों के या दो किस्मों के थे। एक इल्मी मौजज़ात थे जी, यानी अल्लाह ने वही दी, किताबें दी, सहीफ़े दिए जी, और उन किताबों में और उन सहीफ़ों में अल्लाह ताला ने इल्मी मौजज़ात अता फ़रमाए अम्बिया अलैहिस्सलाम को, जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़बूर अता फ़रमाई। बिल्कुल, और उसमें यह इल्मी मौजज़ा अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया कि जब वो तिलावत करते थे ज़बूर की तो परिंदे भी रुक जाते थे, हवा भी रुक जाती थी, और यानी ये सूरत हाल होती थी। इस तरह के इल्मी मौजज़ात अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाए। दूसरी जो नौयत मौजज़ात की अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों में और आपकी हयातहाए मुबारका में हमें नज़र आती है वो हिस्सी मौजज़ात, यानी ऐसे मौजज़ात के जो नज़र आई हों। उन हिस्सी मौजज़ात में मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी तो वो सांप बन गया, वापस पकड़ लिया सांप को तो वापस लाठी बन गई। इस तरह के हिस्सी मौजज़ात भी अता फरमाए। अब अगर हम मौजज़ात की इन दोनों नौयतों की तारीख को देखें, आगाज से लेकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो मौजज़ात की इस तारीख का सबसे बड़ा इल्मी मौजज़ा कुरान करीम का मौजज़ा है जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। बेशक बेशक। और हिस्सी मौजज़ात की तारीख में सबसे बड़ा मौजज़ा वो मेराज का वाकया है, और ये हिस्सी मौजज़ा जो सबसे आला और अरफा है वो भी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अता फरमाया। बेशक। हिकमत इसकी ये है के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं। बेशक। आप पर नबुवत अपने मेराज और कमाल को पहुंच रही है। बेशक। जब नबुवत अपने मेराज और कमाल को पहुंच रही है तो नबुवत की जो सबसे बड़ी दलील और हुज्जत मौजज़ा है वो भी अपने मेराज और कमाल को पहुंच रहा है कि एक ऐसा मौजज़ा कि जिससे बढ़कर और जिसके बराबर भी कोई मौजज़ा अल्लाह ताला ने किसी नबी को अता नहीं फरमाया, चाहे वो इल्मी हो चाहे वो हिस्सी हो, अल्लाह ने अता फरमाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब हुआ। दूसरी चीज़ जो बड़ी इसमें हमें नुमाया नज़र आती है वो ये कि अल्लाह ताला ने जितने भी मौजज़ात अम्बिया अलैहिस्सलाम को अता फरमाए वो उनकी ज़ात के साथ वाबस्ता थे। जब उनकी ज़ात इस दुनिया से चली गई वो मौजज़ा भी ख़त्म हो गया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि खातमुन नबीयीन हैं, आपकी नबूवत और रिसालत कयामत तक चलेगी। बेशक। कयामत तक आने वाले इंसान आपके उम्मती हैं, चाहे वो उम्मते कबूल हों और उम्मते दावत हों,
लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको इल्मी और हिस्सी दोनों जो आला तरीन मौजजात अता फरमाए वो ऐसे अता फरमाए कि क़यामत तक बाकी रहेंगे। सही। कुरान करीम उसके अल्फाज और कलिमात, उसकी तिलावत, उसका पढ़ना, उसको समझना, उसको बयान करना क़यामत तक ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। लोग हुफाज भी होंगे, कुर्रा भी होंगे, इसके उलमा भी होंगे, मुफस्सरीन भी होंगे, इसको बयान करने वाले, इसको अमली ज़िंदगी में बरपा करने वाले भी होंगे। क़यामत तक ये न इसके अल्फाज और कलिमात में कोई फ़र्क आ सकता है, न इसकी अमली शक्ल के अंदर कोई फ़र्क आ सकता है। यही सूरत हाल हमें इस मौजज़े यानी मौजज़ाए मेराज के अंदर के मौजज़ाए मेराज का जो सबसे बड़ा इम्तियाज़ है वो है उम्मत मुस्लिमा के लिए 5 नमाजों का हदिया बारगाह इलाही की जानिब से मिला। अब उम्मत की मेराज क्या है? उम्मत की मेराज आज इस नमाज के अंदर है कि जब बंदा सजदा रेज होता है, सजदे में होता है, तो उसकी पेशानी जमीन पर नहीं होती, उसकी पेशानी अल्लाह के कदमों में होती है। ये बंदा मोमिन की मेराज है। तो जिस तरह कुरान का मौजजा कयामत तक बरकरार रहेगा, इसी तरह मौजजा मेराज भी कयामत तक बरकरार रहेगा। कयामत तक लोग नमाजें पढ़ते रहेंगे और अपनी अपनी मेराज को, अपने अपने उरूज व कमाल को, अपनी अपनी बंदगी के उरूज व कमाल को हासिल करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा मौलाना साहब, कादरी साहब, आप अभी सुन रहे थे गुफ्तगू भी, क्या ज़रूरी होता है कि अम्बिया को अपनी अपनी सदाकत को सच करने के लिए या अल्लाह पाक की ज़ात की ताकत को बयान करने के लिए मोजज़े का सहारा या मोजज़ा अता होना, क्या मोजज़े के बग़ैर खल्क जो है वो यकीन लाने की कैफियत से आ रही होती है, और मोजज़े की क्या अहमियत होती है नबूवत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, अफराद की कई किस्में होती हैं। कुछ अफराद उनकी जहनी सतह और उनकी जो नफसी और जहनी इस्तेदादें होती हैं वो इस काबिल होती हैं कि भी दावत देता है, उस दावत के अंदर जो मानवीयत होती है, जो हक होता है, उसको उनका कल्ब और उनका जहन बिल्कुल उस तरह मिनवान कबूल कर लेता है जिस तरह नबी बयान करता है। तो ये वो तबका होता है जिसके लिए महज दावत ही कबूल करने के लिए काफ़ी है। आप इसकी मिसाल पूछें, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कौन सा मौजज़ा देख के हुज़ूर पर ईमान लाया? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सीरत की कुतुब में मौजूद है कि हज़रत अबू बकर के अपने बयानात हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक पुरानी दोस्ती थी, याराना था, दोस्त थे, रफ़ीक थे। तो फरमाते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामलात मैं इनके देखा करता था और मुझे गुमान था कि एक नबी जो बाकी रहता है वो मेरा दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ठीक। और जैसे ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया तो सबसे पहले बग़ैर किसी मौजज़े की, महज ईमान पर, महज कॉल पर हज़ूर की हज़रत अबू बकर ने तस्दीक कर दी। तो एक ये तबका आ गया, एक यूमिनूना बिलगैब, यूमिनूना बिलगैब, बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा तबका एक वो होता है जिनकी जहनी सलाहियत इस्तेदाद उससे कम होती है, उनके लिए मानवी चीज़ें, फिक्री नौयत की चीज़ें असर रसा नहीं होती, वो उससे कबूल नहीं कर सकती, और अगर कोई कबूल कर भी ले तो उसको उस सतह पर रखता है कि ज़िंदगी का रुख मुतय्यन नहीं कर सकता उसकी बुनियाद पर। वो अवामुन नास का तबका है, उन तबकात के लिए ये होता है मौजज़ा, उनके लिए मौजज़ा दिया जाता है। हर नबी को दिया गया, और जिस तरह हज़रत साहब ने फरमाया मौजज़ा आजिज़ करने से है, जिस पर अवामुन नास कहें, अवामुन नास की एक फितरत है, अल्लाह ने फितरत को मुखातिब किया और इस्लाम भी दीन फितरत है, कि फितरत यह है कि अच्छा ये हो गया, तो जब ये हो गया तो ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता। ठीक, अब जब आम बंदा नहीं कर सकता तो फिर कौन कर सकता है? वो कर सकता है जिसके पीछे कोई मजबूत कुव्वत गैबी है, और वो मजबूत कुव्वत गैबी क्या है? नबी खुद बताता है कि अल्लाह है, ये मैं करने वाला नहीं, इसका फायल हकीकी अल्लाह है। मेराज का मौजज़ा सबसे बड़ा हिस्सी मौजज़ा, हम इसे इत्तफाक करते हैं, सबसे बड़ा हिस्सी मौजज़ा अल्लाह ने क्या किया इसका बयान, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मतलब मेराज हुज़ूर को हो रही है, तशरीफ आप ले जा रहे हैं और बयान अल्लाह क्या कर रहा है, ये नहीं कर रहा हुज़ूर गए, फाइल अल्लाह ने अपनी तरफ फाइल रखा, फाइल हकीकत सुभान अल्लाह जी, पाक है वो जात जो ले गई। तो गोया बताया कि इसके पीछे मेरी कुव्वत है, मेरी ताकत है, और अगर किसी की अकल और समझ में नहीं आती तो वो बराह रास इन पर एतराज़ ना करे, उसका एतराज़ गोया कि मेरी कुदरत पर है, मेरी शान पर। सही, ठीक। तो दूसरा तबका जो होता है उनके लिए मौजज़ात दिए जाते हैं, और ये अल्लाह की सुन्नत है, चूंकि अल्लाह ताला जिस काम को करते हैं फरमा देते हैं तो वो सुन्नत ही जारिया होती है, अल्लाह की सुन्नत है। तो इस पर इल्म मंतिक की रूह से ये एक असूल वज़ा होता है कि अगर इससे बेहतर कोई असूल होता तो अल्लाह ताला इसको कभी ना अपनाता। तो अल्लाह का इंतखाब इस असूल के बेहतरीन होने की दलील है। तो ये दो तबकात हैं, इन दो तबकात के लिए मौजज़ा का इंतखाब किया जाए। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक कलाम जो हम ये बातें जिनका तस्करा कर रहे हैं, तो अज़न कुछ तस्करा हम आपसे भी सुनना चाहेंगे।
नबी सल्ले मुहम्मद सल्ले अला शफी सल्ले चादर तनी नूर की नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है चांदनी मेराज मुस्तफ़ा में आप सबको खुश आमदीद है। और आज के दिन, आज की रात, ये जो कबूलियत की रात है जिसमें हम बहुत सारा अस्कार, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे दरूद और सलाम जो है वो पेश करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के साथ साथ अपने लिए जो हम दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला उन सबको कबूलियत बख्शे। और हम इस मौजज़े और इस वाक़े की जो गुफ्तगू है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। उलमाए किराम मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मैं ये मेरा जहन उलझा हुआ है उस चीज़ पे कि वाक़यात का और मौजज़ात का जब ज़हूर होता है, ये मैं सवाल दोनों के सामने रखूँगी, पहले आपसे और फिर आपसे दरख्वास्त करूँगी इसके जवाब की। तो वो खुले आम होता है
जैसे असा जब डाला गया तो वो फिरौन भी देख रहा था, वो जादूगर भी देख रहे थे, तो वो असा का जहूर जो है वो मुर्जे का जहूर सबके सामने था। जब हजरत जब वो ऊँटनी का मुर्जे का जहूर होता है तो सामने है, हजरत मूसा चश्मा जब 12 चश्मे निकलते हैं तो सबके सामने, ऐसे जब तमाम हजरत सलेमान जब कलाम करते हैं तो सबके सामने है, जिन्नो इंस पे उनकी जो हुकूमत और ताकत है सबके सामने। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले जाते हैं और आग ठंडी होती है, सामने है, लोग उसको देख विटनेस कर रहे हैं, ये वो मोजज़ा है जिसको विटनेस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक को कुफ़ार मक्का सादिक और अमीन, ये उनका दिया हुआ लकब है, ये उनके मानने वालों का लकब नहीं है, ये उनका लकब है जो कि नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे, तो उनका क्या रद्द अमल फिर सामने आता है और ये रद्द अमल किस हद तक मुमासिल है फिर आज तक जो लोग मुख्तलिफ ताबीलें नुकात एतराजात बयानात जो हैं वो लेकर आते हैं। देखिए बात यह है कि ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का ये जो मौजज़ा हुआ ये बरसर आम नहीं हुआ, और इसमें जो हिकमत असल में कारफरमा नज़र आती है और पेश नज़र वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस मौजज़े को बयान करें तो आपके बयान की बुनियाद पर लोग इस पर ईमान लाएं। यानी असा का सामने फेंकना और उसका सांप बन जाना ये तो एक मुशाहिदे की बात है ना, तो इसके माना ये है कि लोग उस मुशाहिदे के ऊपर ईमान ला रहे हैं अपनी आँख से देख कर। लेकिन मेराज का वाकया तो ऐसा वाकया है कि हम तो ईमान ला रहे हैं अल्लाह के बयान पर कि सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, लेकिन अव्वलीन मुखातबीन जो हैं वो ईमान ला रहे हैं आपके आपके बयान पर। बिल्कुल, तो इसके माना ये है कि असल में अल्लाह ताला आपकी अथॉरिटी कायम करना चाहता था कि मेरे रसूल की अथॉरिटी कितनी बड़ी अथॉरिटी है कि इतना बड़ा मौजज़ा और उस पर ईमान और फिर उस ईमान की बुनियाद पर आगे कितने वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने जब बात आई उन्होंने कहा जब आप कह रहे हैं तो ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल, अब ये जो सिद्दीकियत मिली इसी बुनियाद पर और इसी तस्दीक की बुनियाद पर वो इसीलिए मिली ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा पुख्ता और ऐसा ईमान था कि जिसमें किसी तरह का कोई शक व शुबे का कोई अदना सा भी बाल बराबर शुबा भी आपको नजर नहीं आता है। कुफ्फार मक्का का जो रद्द अमल था वो रद्द अमल ये था कि ये कैसे मुमकिन है, यहाँ से जाहिर है कि उस जमाने में तो बहुत सुस्त रफ्तार सवारियाँ थीं, ऊँटों पे लोग सफ़र किया करते थे, घोड़ों पे पैदल सफ़र होता था, तो जाहिर है कि बैतुल्ला से बैतुल मुकद्दस तक का सफ़र जो है ये कई दिन का सफ़र था, एक रात के एक हिस्से के अंदर एक इंसान होकर भी आ जाए और सिर्फ बैतुल मक़द्दस ही नहीं आसमान दुनिया की भी सैर करके आ जाए और ये दावा करे कि मैं आसमान दुनिया की भी सैर करके आया हूँ, जाहिर है कि ये कुफार मक्का के लिए बहुत हैरानकुन बात थी। बिल्कुल, और उन्होंने इसको यकीन नहीं किया, उन्होंने कहा अच्छा बताइए मस्जिद अक्सा की कुछ अलामात बताइए, कितना बड़ा सहन है, कितने सुतून हैं, उसके बरामदे में कितने सुतून हैं, उसकी सीढ़ियाँ कितनी हैं, ये सारी बातें। अच्छा रास्ते में कोई काफिला आपको नजर आया, हाँ जी रास्ते में काफिला नजर आया, वो कितने दिन तक मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएगा, आपने कहा वो 2 दिन तक मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएगा, और 2 दिन जब पूरे होने लगे तो अल्लाह ताला ने सूरज को रोक लिया। अच्छा, अल्लाह ने सूरज को गुरूब होने से रोक लिया कि जब तक वो काफिला मक्के में दाखिल नहीं हो जाएगा सूरज नहीं गुरूब होगा, अपने नबी की सदाकत को साबित करने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को बयान करने के लिए और उसको साबित करने के लिए। और उलमाए सीरत इसको मौजज़ा हब्स शम्स कहते हैं। अच्छा, कि सूरज को रोक लिया गया। अच्छा, सुभान अल्लाह। ये जो चीज थी ये कुफार मक्का का जो रद्द अमल था इस रद्द अमल के पीछे क्या चीज थी इस पर जरा गौर करने की जरूरत है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते कि मैं एक रूहानी सी सैर करके आया हूँ तो ये रद्द अमल ना होता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये कहते रात मैंने ख्वाब में बैतुल मक़द्दस देखा या ख्वाब में मैं आसमान दुनिया की सैर करके आया हूँ किसी को एतराज ना होता। बिल्कुल, कोई इस तरह का रद्द अमल जाहिर है आप अगर आज यहाँ पाकिस्तान में बैठ के सुबह को उठ के ये कहें कि मैं ख्वाब में अमरीका की सैर करके आया हूँ तो कौन ऐसा शख्स है कहेगा ये कैसे मुमकिन है, अमरीका का तो कई घंटों का सफर है, इतना लंबा सफर है, आप रात के एक हिस्से में अमरीका कैसे होकर आ गए, जाहिर है कोई एतराज नहीं करेगा, इसलिए कि आप सफर की बात नहीं कर रहे हैं, आप ख्वाब की बात कर रहे हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि मैं ख्वाब में बैतुल मक़द्दस देख कर आया हूँ
तो लाजमी बात है किसी को कोई एतराज ना होता और इस तरह का कोई सवाल ना करता। आज का हमारा जो यानी इस तरह का नजरिया और फिक्र है कि ये एक रोया थी, एक ख्वाब था या एक रूहानी सैर थी, इन सारी चीज़ों का जवाब कुफ़ारे मक्का के इस रद्द अमल से हमें मिल रहा है कि कुफ़ारे मक्का बड़े तमस्खुर के अंदाज में, बड़े मजाक उड़ाने के अंदाज में, और हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी जिक्र कर रहे हैं तो आज तुम्हारा साथी क्या कह रहा है, जरा सुना तुमने? तो ये जो अंदाज है और ये तमस्खुर करना, उसको यकीन न करना, ये सारी बातें इस बात की दलील हैं कि ये सफर ऐसा सफर था कि जो बजसदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अथर के साथ, अपनी रूह के साथ हालत बेदारी के अंदर करके आए। ना ये सिर्फ रूहानी सैर थी और ना ही ये कोई ख्वाब था। सही। दूसरी बात ये है कि देखिए दोनों जगह, दो जगह अल्लाह ताला ने इस सफर को बयान किया। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सूरह बनी इसराइल के शुरू में, और इसी तरह सूरतुन नजम में। लेकिन दोनों जगह अल्लाह ताला ने अब्द का जिक्र किया। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बे नबी ही नहीं कहा, बे रसूली ही नहीं कहा, मगर नहीं कहा जा सकता था। फिर सूरतुन नजम में और आगे बढ़िए तो इससे भी आगे की बात होती है कि वहां अल्लाह ताला कहता है कि सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। फिर अल्लाह ताला ने वही की अपने बंदे को जो वो वही करना चाहता था। सही। हालांकि वही का ज्यादा मुनासिब ताल्लुक और ज्यादा करीबी ताल्लुक नबूवत से होता है। सही। अब्दियत से नहीं होता। बिल्कुल। अल्लाह के हर बंदे पर तो वही नहीं आती, बेशक वही अल्लाह के नबी पर आती है। यहाँ कहना तो यही चाहिए था कि फाओहा इला नबी ही मा औहा, फाओहा इला रसूल ही मा औहा। वही की ज्यादा मुनासिबत नबूवत और रिसालत से है, लेकिन अल्लाह ताला ये बतलाना चाह रहा है कि वो जो सैर थी, चाहे वो बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस की थी, चाहे वो बैतुल मक़दस से आसमान दुनिया की थी, वो मेरे बंदे की थी। और बंदा किसे कहते हैं, अब्द किसे कहते हैं? अब्द सिर्फ जिस्म को नहीं कहते, अब्द सिर्फ रूह को नहीं कहते, अब जिस्म और रूह दोनों चीजों को मुजस्सम को कहते हैं। मुजस्सम को कहते हैं इन दोनों, एक ऐसा जिस्म के जिसके अंदर रूह पड़ी हुई हो और वो जिस्म और रूह दोनों साथ साथ चल रहे हो तो वो अब्द होता है। सही। तो अल्लाह ताला ने जब अब्द कहा तो इसके माने ही ये हुए कि ये जो सैर थी न ये एक ख्वाब था, न ये एक महज रूहानी सैर थी, बल्कि ये अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जाहिर है कि सुबहान का लफ्ज जैसे मौलाना ने भी फरमाया कि आगाज ऐसे अंदाज से किया जा रहा है। ये अगर एक सिर्फ रूहानी सैर की बात होती तो इसमें कोई ऐसी मुजायके की बात नहीं थी या कोई इतने अजमत और उसके बयान के साथ, उसको एतमाद के साथ और इतने अल्लाह की सुबहानियत के साथ और उसकी तस्बीह के साथ बयान करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई आज़म चिश्ती साहब का अगर कोई खूबसूरत कलाम आप पेश कर सकते इस मेराज के वाक़े की मुनासिबत से है। अच्छा, वो पेश कर रहा हूँ जनाब। किसके आने की फलक पर है खबर, आज की रात आँख सूरज से मिलाता है कमर, कहती है किस्मत का सितारा चमका, कहकशां कहती है किस्मत का सितारा होगा इस राह से हजरत का गुजर, आज की रात होगा इस राह से हजरत का गुजर।
खुश आमदीद। और शब मेराज के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन मेराज मुस्तफ़ा में आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। हमारे मेहमानान गिरामी की आमद का सिलसिला जारी रहेगा। इस पूरी ट्रांसमिशन में आप मुख्तलिफ मेहमानों से मिलते रहेंगे, उनके इल्म से हम इस्तफादा करते रहेंगे, खूबसूरत कलाम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अपनी दुआओं में आप हमें याद रखिएगा और हम आज की इस बाबरकत रात कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फैज़, इसकी बरकतें, इसकी रहमतें जो है वो समेट सकें। मेरे जिन मेहमानों ने अब हमें ज्वाइन किया है उनमें इल्म के एतबार से अपना एक नुमाया मकाम रखते हैं। मेरे साथ हैं मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का मुफ्ती साहब। और हमें ज्वाइन किया हमारे मारूफ सना खान आसिफ चिश्ती साहब ने, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। हम कलाम की तरफ अभी आएंगे लेकिन उससे पहले हम अभी जो जिक्र कर रहे हैं कादरी साहब और मुफ्ती साहब, हमने वाकिया मेराज क्या है थोड़ा सा आप बयान, और फिर मैं मुफ्ती साहब से चाहूँ वाकई मेराज है कि इसका आगाज कहाँ से होता है। वाकई मेराज को आप टोटल इसके पूरे जो अगर देखें मिनहसुल कुल इस वाकई को, तो इसको तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नहीं, पहला तो सबसे पहले तो जो शक्ल सदातुल मैं करता हूँ ना, तीन हिस्सों में इसको तकसीम कर सकते हैं। पहले से की इब्तिदा हुई इसकी खाना काबा से, मस्जिद हराम से, ठीक है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में आराम फरमा थे और जिब्राइल अमीन आए, साथ दो मलाइका और थे, दो फरिश्ते और थे। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक यहाँ से लेकर नाफ तक उसको चाक किया। अच्छा। और उसको चाक करके इसको शक के सदर कहते हैं, शक के सदर चाक करके उसके उसको जो कल्ब अथर था आपका, उसको जमजम से गुसल दिया, धोया। और फिर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चूँकि इसका कोई और रावी नहीं, आप खुद ही रावी, आपने फरमाया फिर एक सोने का तश्त बहुत बड़ा लाया गया जो नूर और हिकमत से भरा हुआ था, तो कल्ब अथर को धो के वापस लगाया गया और वो नूर का तश मेरे सीने में उंडेल दिया गया। और मैं आपको बताऊं, वो लुत्फ बात है और एक इल्म की भी बात ही है कि ये शक के सदर पूरी हयात मुबारका में तीन बार हुआ। दो दफा का तो मुझे तीन दफा हुआ। अच्छा। मैं अर्ज करता हूँ, पहली दफा हुआ जब आप हजरत हलीमा सादिया की बस्ती में घूम फिर रहे थे और वो मारूफ वाकया है कि जिब्राइल आए, फरिश्ते साथ थे, सीना चाक किया और वो बच्चे डर के भाग गए, उन्होंने जाके बताया। पहली दफा वहां पर हुआ। दूसरी दफा वही के नजूल से कुछ अर्सा पहले हुआ। अच्छा। उलमा ने उसकी हिकमतें बताई। पहली दफा उसके अंदर से एक कल्ब अथर के साथ एक लोथड़ा होता है जो वहम और वसवसा कबूल करता है, उसको निकाल के फेंका गया। दूसरी दफा जब्त और वही के तहमुल के लिए, और तीसरी दफा चूंकि माला आला के सफर था और बारी ताला की बारगाह में बराह रास्त शर्फ याब होना था, तो उसके तहमुल के लिए, उन अनवार के तहमुल के लिए तीन दफा कुल्लियतन शक के सदर हुआ आपकी हयात मुबारका। अच्छा। तो इसके आगाज से पहले ये शक के सदर का वाकया हुआ। तो उसके बाद आप अभी बेदारी और नींद इसके दरमियान की कैफियत में थी कि जिब्राइल अमीन ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके पैगाम सुनाया और आपको यहाँ से असल सफर का आगाज होता है, बैतुल्लाह से, खाने काबा से यहाँ से सफर शुरू हुआ। यानी आप महवे इस्तराहत अपने बिस्तर में नहीं थे, अपने घर में नहीं थे, आप बैतुल्लाह की बात कर रहे हैं कि आप इस हवाले से दो रिवायत, एक रिवायत है जी मैं अर्ज कर, एक रिवायत है हजरत उम्मे हानी के घर थी। अच्छा। दूसरी रिवायत है खाने काबा के अंदर मौजूद थे। इन दोनों में तदबीक की जा सकती है, कोई इख्तलाफ नहीं कि ऐन मुमकिन है कि उम्मे हानी के घर हों और वहाँ से नवाफिल की अदायगी के लिए या नमाज की अदायगी के लिए या तवाफ के लिए खाने काबा तशरीफ लाए हों, और एक ही बातें हो सकती हैं। और खाने काबा से असलन चूंकि कुरान मजीद कहता है सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, बिल्कुल, तो नस कुरानी आ गई तो इसको हम तकविया देंगे, ये मजबूत रिवायत हो। तो यहाँ से सफर शुरू हुआ और पहला जो मरहला है उसको हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने अल-फ़वाइद अल-फ़वाइद में इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया है। तो पहला हिस्सा वो कहते हैं, पहला हिस्सा इसरा, ठीक, असरा जो सूरह इसरा के अंदर, अब ये है खाने काबा से मस्जिद बैतुल मक़दिस तक का सफर, यरूशलेम तक का सफर, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा तक का बैतुल मक़दिस का सफर, इसको वो कहते हैं ये पहला मेराज का मरला था, ठीक है। और ये मेराज का मरला बुराक पर तय हुआ और इस मेराज के मरले के अपने लताइफ। सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ने अर्श पर बुलवाना था, हाँ, तो इसके अंदर ये वाया बैतुल मक़दिस क्यों बुलवाया, बराए रास्त क्यों नहीं बुलवाया? बिल्कुल, एक बड़ा अहम सवाल है ये सवाल। इसलिए ये इसलिए हिकमत इसकी, उलमा ने बहुत सारे जवाब दिए इसको, इसलिए ये रूट इसलिए अख्तियार किया गया कि कुछ ना कुछ अकली दलाइल छोड़ने थे बहरहाल इस वाक़े के, चूँकि देखें जो भी सहाबा जो हजूर का मौजजा था सहाबी साथ होते थे वो रिवायत कर देते थे, यहाँ तो कोई साथ ही नहीं था, बिल्कुल, इसलिए अल्लाह को खुद रिवायत करना पड़ा ये सारा कुरान मजीद के अंदर जाने का भी और आने का भी, दोनों रिवायतें अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर की, ठीक। तो जो इसके अलावा था वो जिब्राइल थी। सही। अब जिब्राइल भी पूरे सफर में साथ नहीं थे, तो बाकी सफर फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया कि क्या थे। अब निशानियां छोड़नी थी
कि माले आला किसी ने नहीं देखा था, हजूर बताते वो कहते जी हमें क्या पता, सच बता रहे हैं कि सच नहीं बता रहे, वो तो ऐसे ही गुमान करते थे। तो बैतुल मकदिस तक हर बंदा गया हुआ था, उसके सफर को जानते थे, बैतुल मकदिस की नौयत को जानते थे, उसके दरमियान क्या पहाड़ी सिलसिले आते हैं, क्या रेगिस्तान आते हैं, उसके सफर में उस वक्त जो मक्के के काफले गए हुए थे, ये सब कुछ वो जानते थे। तो अल्लाह ने वो हुज्जत और वो दलील कायम करनी थी, इसलिए इस रूट पर। और वैसे भी तो मुफ्ती साहब वो किबला अव्वल तो हमारा बैतुल मुकद्दस ही था ना, तो फिर वो एक किबला अव्वल और हमारा ये जो किबला है बैतुल्लाह, इसका भी तो आपस में एक रब्त, एक ताल्लुक, कोई निस्बत होगी जिसको अल्लाह पाक ने मुकद्दम रखा। तो कुछ इस हवाले से भी बताएं कि सवारी के लिए जो बुराक का इंतखाब है, ये बुराक क्या चीज है और इसे हम क्या समझें कि ये क्या है? हामिदुम व मुसल्लिया अम्मा बादू फाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बड़ी आम ट्रांसमिशन शब मेराज के हवाले से, और बड़ी बाबरकत रात है और पुरनूर रात है ये, इसलिए कि इस रात में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दूल्हा बने, पंजाबी में कहते हैं कि हुजूर लाड़े बने हैं। तो कायनात का दूल्हा जिस दिन सेहरे सजाए, उससे बाबरकत रात शायद ही कोई और हो सकती है। सफर मेराज, आपके सवाल के जवाब की तरफ आने से पहले, ये वाकया मेराज है क्या, सफर मेराज क्या है? बिल्कुल, जिस तरह आप ऑन एयर होने से पहले ये बात कह रही थी कि सफर कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, तो सफ़रनामा किसी का भी जब लिखा जाता है तो उसके बुनियादी सात जुज होते हैं, उनके बगैर तो वो कंप्लीट होता ही नहीं। अच्छा, वो ये होता है, एक सफ़र किसने किया, सफ़र किसने कराया, सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक हुआ, दिन में हुआ या रात में हुआ, टाइम कितना सर्फ हुआ और किस मकसद के लिए सफ़र हुआ, ये सात बुनियादी चीजें हैं। ठीक है, और इन सातों चीजों को रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान पाक के अंदर 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल की पहली आया करीमा में कैटेगोरिकल बयान फरमाया है। इरशाद फरमाया, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सात चीजें ये बयान हुई कि सफर मुस्तफा ने किया और करवाया खुद खुदा ने है, बेशक, और हुआ रात के अंदर है और टाइम कितना लगा। फरमाया लैलन, आले इल्म कहते हैं कि लैलन के ऊपर जो तनमीन है, दो जबरें जिसको उर्फ आम में कहा जाता है, ये तकलील की है, जिसका मतलब ये बयान करना मकसूद था कि पूरी रात सर्फ नहीं हुई, रात का एक थोड़ा सा हिस्सा लगा है। सही। और वो कितना हिस्सा था, बाज आसारे सहाबा में बयान किया गया, तफसीर रूहुल मानी के अंदर अल्लामा इस्माइल हक्की अलैह रहमा ने, अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया उन बाज आसार के हवाले से कि वक्त इतना लगा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जिस बिस्तर से निकले थे, फिर आपने वुजू फरमाया, फिर चलते हुए जब आप बुराक पे सवार हुए तो बाद आसार में यह है कि आपका अमामा शरीफ दरख्त की एक टहनी से टकराया और आप दरवाजे उस कमरे का हुजरे का दरवाजा खोल के बाहर निकले। तो इतना लंबा सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा से लामकाम, लामकाम से दना फत दल्ला फकान काब कौसैन ओ अदना की कुर्बतें और हरीम नाज तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और बिला हिजाब जागते हुए सर की आंखों से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया और फिर साल हा साल वहां लगे और वापस तशरीफ ले आए। लेकिन वक्त इतना लगा कि जिस बिस्तर से निकले थे जब वापस तशरीफ लाए उसकी हरारत अभी बाकी थी और जिस वुजू से आपने, जिस पानी से वुजू किया था उसकी रवानी बाकी थी, दरख्त की टहनी हिल रही थी और दरवाजे की कुंडी हरकत में थी। हमारे साथ आसिफ शिश्ती साहब भी मौजूद हैं। खूबसूरत सा कलाम इसी मुनासिबत से जो तस्करा हो रहा है इस मुबारक रात का। मेराज की रतिया
मखदूम ये थी एक राज दुलारा आवत है मेराज की रतियां दूम ये थी एक राज दुलारा आवत है लौलाक का सेहरा सर सोहत वो अहमद प्यारा आवत है वो अहमद प्यारा आवत है। हूरों ने कहा जब बिस्मिल्ला गिलमान ने पुकारा इल्लल्ला खुद रब ने कहा माशाअल्ला महबूब हमारा आवत है मेराज की रतियां दूम ये थी एक राज दुलारा आवत है। सले अला नबी ये ना सले अला मुहम्मदिन सले अला करीम ना सले अला मुहम्मदिन हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है हुजूर मेरी तो बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो मेरी तो हास्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज मेरी तो हास्ती ही क्या है मेरे गरीब जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से बेकरार आका बेकरार मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी मोहब्बतों का सिला ऐसे
غار غار آپ سے ہے, سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے, میں بے قرار آقا بے قرار, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو سا سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. واہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا پرکیف, کیا آپ نے سما باندھا ہے اپنے اس کلام کے ذریعے سے. ہم گفتگو میں ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ مختلف مدارج جس میں سفر ہوا, جس میں ہم نے کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی تک کے سفر کا احاطہ کیا, اس کے آگے کیا کیا مرحلے ہیں, کہاں کہاں پہ ہم نے عرش کا ذکر بھی سنا, سدرۃ المنتہا کون سا مقام ہے, لامکاں کون سا مقام ہے, یہ کیا مدارج ہیں. بیت المقدس پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے, براق کو باہر باندھا گیا انبیاء کی سواریوں کے ساتھ خاص مقام پہ, اس کے بعد تمام انبیاء اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو ہم ایک جزوی سوال کی تھوڑی سی اجازت دیجیے گا, جو ہم یہ ذکر کرتے ہیں جیسے براق کا کہ باندھا گیا, پشت پہ ہاتھ رکھا, تو وہ اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ایک گھوڑے سے مشابہ کوئی چیز ہوگی, کیا اس کی کوئی مشابہت کا تذکرہ بھی ہے؟ اچھا جی, عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سواری تھی جو اپنے حجم میں سائز میں گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی. اچھا حدیث میں اس نوعیت کی ایک سواری تھی, مگر جنت سے اس کی تفصیلات فرما چکے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت کروا لی, صاحب کی امام الانبیاء تو تھے آپ, امام الانبیاء کا عملی ثبوت اللہ نے پوری دنیا کو دکھا دیا. اچھا اب اس کی پرلطف بات یہ ہے جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس امامت کے بعد وہاں پر مسجد اقصی میں ایک جلسہ منعقد ہوا. اچھا جلسہ معراج جس طرح اب ہم بیٹھے ہیں نا معراج کی شب کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اس وقت بھی ہوا اور اس میں باقاعدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیف گیسٹ کے طور پہ تشریف فرما تھے, انبیاء اکرام نے آ کر خطابات فرمائے, گفتگویں کی. اچھا ہاں باقاعدہ انبیاء نے آ کے بات کی, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے,
उसके बाद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ में आपकी मदह सराय बयान करते, साथ कोई एक आध नसीहत का कलेमा बताते, एक मजमा था अम्बिया का मजमा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू फरमाई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू फरमाई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू फरमाई, और आखिर पे खुतबा सदारत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा, 124,000 पैगंबरों का हमने तस्करा सुना है, तो क्या ये सारे मौजूद थे या कुछ चीदा चीदा अंबिया जो साहिबे किताब वहां पे मौजूद थे? तमाम अंबिया, यानी 124,000 पैगंबर जो है जो असल फिगर अल्लाह की ज़ात जानती है, सब मौजूद। तो इन सब ने गुफ्तगू की, उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा सदारत दिया जिसमें सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना की, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबियाए कराम तमाम बैठे थे, कुल कायनात नबूवत वहाँ मौजूद थी, तो हुज़ूर ने फरमाया कि मुझे तुम सब का सरदार और तुम सब का मौला बनाया गया है, मैं तुम सब का आका हूँ, मौला हूँ, मैं सरदार हूँ, सरवर अंबिया हूँ, मैं खातम अंबिया हूँ, इस सिलसिले को ख़त्म करने वाला हूँ। फिर अल्लाह ने बताया कि सबसे अजीम और खातम कुतुब जो है वो मुझे दी गई है, फिर कुरान मजीद की मदह सराय की गई, फिर अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अब इससे आगे सफर होने वाला। तो कहने का मकसद यह है, ये महफिल भी उस सुन्नत की इक्तदा में है, उस सुन्नत की इत्तबा में है कि जो मस्जिद अक्सा पर एक मजलिस मुनक़िद हुई थी सफर में रात के बाकायदा आगाज से। बिल्कुल, ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर आपसे खुश आमदीद। शब मेराज की रात हम आपके लिए खास तौर पे लेकर आए हैं मेराज मुस्तफ़ाई ट्रांसमिशन, जिसमें हमारे मुख्तलिफ मेहमानों से आपकी मुलाकात हो रही है और उसमें हम आपके लिए नातिया कलाम, हमदिया कलाम भी पेश कर रहे हैं ताकि दुआओं में आप अपनी हमें भी याद रखें और हम इन दुआओं के सिलसिले में एक दूसरे के साथ शरीक रहें। जी, शब मेराज तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब रब की बारगाह में पहुँचते हैं तो वहाँ तहाइफ का तबादला होता है, तहाइफ का तबादला, और उसका भी तज़किरा रिवायात में मौजूद है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफा पेश किया कि या अल्लाह मेरी तमाम कौली फेली बदनी इबादतें सिर्फ तेरे लिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक ला। ये उबूदियत का जो मकाम है, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ये है कि अब होता ही वो है जिसका सब कुछ उसके मालिक के लिए होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तोहफा पेश किया तो जवाब में अस्सलाम वालेका अय्युहन नबी, ये अल्लाह तबारक व ताला ने जब फरमाया तो आप इसमें देखिए नबी राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलाम वालेना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, यानी अपने साथ अपने गुनाहगार गुलामों को और उम्मत को भी शामिल किया। बल्कि एक बात मुझे याद आ गई कि वहां जब मस्जिद अक्सा में महफिल सजी तो अंबियाए किराम ने खुतबे दिए, खिताबात फरमाए, तो सदारती खुतबा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, तो इसमें कमाल की बात यह है कि सारे नबियों ने उस खुतबे में अल्लाह की अजमत को, तौहीद को बयान किया और अपनी शान बयान की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मकाम मर्तबा बयान करने के साथ साथ अपनी उम्मत की शान भी बयान की है। अच्छा, इसी खुतबे में अंबिया के सामने फरमाया कि मैं वो हूं कि मेरी उम्मत को अल्लाह तबारक व ताला ने खैरुल उमम का ताज पहनाया है, मेरी उम्मत को सबसे बेहतरीन उम्मत और उम्मत औसत बनाया है। हुजूर ने उस खुतबे में अपनी उम्मत को याद रखा है, बिल्कुल, दूल्हा बनते हुए सवारी पर सवार होते हुए यहाँ। तो आज उम्मत का भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आका को आका की तालीमात को, हुजूर के निजाम को, हुजूर की सुन्नतों को, हुजूर की शरीयत को ना सिर्फ याद करें बल्कि अपनाएं। बिल्कुल। मैं तो इससे अगला जुमला कहा करता हूँ, चले आप ब्रेक लें फिर बात करें। हाँ जी, ब्रेक के साथ साथ चूंकि आप तस्करा कर रहे हैं तो कुछ रूहानी कैफिया जो है वो कलाम के साथ जरा ज्यादा वज़्द में आती है। जी जी। तो हमारे साथ मारूफ हमारे इजाजत है, मैं वो इनके लिए थोड़ा सा माहौल और बना देता हूँ जनाब, फिर कलाम सुनते हैं। मैं कहने ये लगा था अभी वो बात नमाजों वाली वही खड़ी है, वो कादरी साहब या मैं कम्प्लीट करेंगे, लेकिन ये बात सुन लें कि ये जो मुलाकात थी ना, मैं कहा करता हूं इसका 1 पॉइंट एजेंडा था, और वो क्या था? वो था उम्मत की बख्शिश। अच्छा, सिर्फ उम्मत की बख्शिश थी। अच्छा, नमाजों का तोहफा जो मेराज में अता होता है, तहाइफ और ये तबादले, ये तो मुलाकात के अंदर चीजें होती है, मबादियात होती हैं, लेकिन असल जो था वो उम्मत की बख्शिश के लिए मेरे नबी ने यह सफर फरमाया था, और उसके अंदर उम्मत की बख्शिश की बात हुई। अकबर वारसी मरहूम ने कहा कि वो किस तरह हुई,
उस तरफ रहमत हक के जौहर खुले, इस तरफ से शफात के दफ्तर खुले, कह दिया देख हैं फैज के दर खुले, मांग जो मांगना आज की रात है, तो शाह ने अर्ज की उम्मत गुनागार है, बख्श दे मेरे मालिक तो गफ्फार है, तुझको आसान है मुझको दुश्वार है, फिक्र रोजे जजा आज की रात है, फिर कहा हक ने है माह पारे नबी, तू मेरा चांद और तारे नबी, ऐसा घबराना ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है, लुत्फ जब है के देखेंगे सारे नबी, तेरी उम्मत पे बरसेगी रहमत मेरी, बख्श दूंगा कियामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात। वाह बहुत खूबसूरत जनाब आसिफ रशीद। जी मेराज शरीफ के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत कलाम है, और ये इसमें सफ़र में जो गुफ्तगु है, कुछ शायर ने कुछ यूँ कलम बंद किया, बड़ा खूबसूरत कलाम समाप्त कीजिएगा। कोई भी नहीं पहुँचा सरकार जहां पहुंचे है अर्श खुदा शाह अबरार जहां पहुंचे कोई भी नहीं पहुंचा पहुंचे हर समत उजाला था एक नूर का हाला था अल्लाह का करने को पहुंचे अल्लाह का करने को दीदार जहां पहुंचे यही है कि अल्लाह ताला आज की इस पाक और बाबरकत रात में हम पे वो रहमतें नाजिल फरमाए जो उसने अपने खास बंदों पे नाजिल की हैं, और जो दुआ है जो हमेशा उसने मांगने की खुद ताकीद की है कि अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे तेरा इनाम और इकराम हुआ, उन लोगों के रास्ते पे नहीं जिन पे तेरा गजब हुआ। और अल्लाह ताला हमें सिर्फ मेराज नहीं बल्कि शब मेराज नहीं बल्कि हर रोज इसी खुशोखुजू के साथ इबादत करने की और खास तौर पर अपनी 5 नमाजों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे इजाजत लेंगे और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले अज़न आपका बहुत शुक्रिया, आप खास तौर पे आप पूरी महफिल में हमारे साथ नहीं हैं शामिल, तो कोई ऐसा कलाम जो कि आप सुनाना चाहें और उसके साथ हम अपनी आज की इस महफिल को बर्खास्त करें। लेके पहलू में गमी उम्मते कहते हुए सरकार आए उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार पहलू
सरकार मदीना की विलादत की खबर सुन के सरकार मदीना की विलादत हर गुनाहगार पुकारा मेरे गमखार आए हर गुनाहगार पुकारा मेरे गमखार फर्श पर अर्शे मुअल्ला का गुमा होता है लेके दामन में कुछ इस तरह के अनवार आए लेके दामन में कुछ इस तरह के अनवार आए लेके पहलू में फिर किसे मांगने का रहे आज़म फिर किसे मांगने का होश रहे आज़म बांटने सरे बाजार आए बांटने वाला गर खुद सरे बाजार आए उम्मती कहते हुए सरकार आए लेके पहलू में लेके पहलू में गमे उम्मते नादान